जो के मसाइल जिनके वजह से मसाइल सर उठाएंगे और आरे के लिए कोई ना कोई मसला बना रहेगा। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने अमान तहफ़ में रखे। जो कोई प्लानट कह रहे हैं वो अर्ज़ है, जहाँ तक एरीज का तलक है इनको अपने सोशल तलकात बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए और इनकी जो रोमांटिक लाइफ है उसमें भी एक फैसला कौन वक्त आ गया है। अगर उन्होंने एहतियात न की, टेंशन का शिकार हो गए तो ये तलक टूट सकता है। तो वो अपनी तलकात का जायज़ा लें, सोशल लाइफ में बड़े एहतियात से काम लें और जहाँ तक उनकी प्रोफेशनल लाइफ का तलक है वहाँ काफ़ी हद तक दबाव उनका अब ख़त्म हो चुका है और उनके लिए हालात ठीक है, ठीक हो गया कमोबेश। अच्छा, सिर्फ तलकात का ख्याल रखें और अगर वो रोमांस उनकी ज़िंदगी में आम है तो वो टूट सकता है, बी वेरी केयरफुल। हाँ जी, और जिनकी शादी हो गई हुई है, जी जिनकी शादी हो गई हुई है एरीज की, वो क्या करें? वो जहाँ तक पेशा बनाना मामला थे उनका टेंशन कम हो गई है वहाँ, ठीक हो गया, सही हो गया। अब मुझे ये बताएं कि इन्हें जो आने वाला हफ्ता है उसमें कौन से ऐसे दो दिन हैं जिसमें इन्हें एहतियात करनी चाहिए? वो है 1 जुलाई जी, 30 जून 1 जुलाई और दूसरा है 4 जुलाई, ठीक ये बहुत एहतियात करनी होगी। ठीक, और इनकी जो सेहत है वो क्या बोलती है, सेहत के सितारे ठीक है इनकी? मुझे मोरलस ठीक है, सिर्फ तलकात पर रोमानवी लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, ठीक हो गया, और कश्मकश आ रही है और सोशल ना हो, आप कमरे में बंद हो जाएं, ठीक है। इसके अलावा इट इज अप टू यू। हां जी, ठीक हो गया। अब अगले सितारे की तरफ आते हैं जो टॉरस है। टॉरस का ये है, मुझे नजर आता है उनको वालदैन की वजह से बड़ा वालदैन की वजह से फिक्र है, बहुत ज्यादा फिक्र है और घरेलू जिंदगी में उनको कुछ ना कुछ मामला को सोच तलो में उनको सोचना चाहिए और वरना यह है कि ये टेंशन बढ़ सकती है। वालदैन की वजह से वो खास तौर पर परेशान नज़र आते हैं। अल्लाह ताला उनकी मदद करें और वालदैन के हवाले से जो भी वो स्टेप लेना चाहते हैं वो लें, इस सिलसिले में गाफलत न करें, ठीक हो गया। आपने कहा है कि जो आने वाला हफ्ता है उसमें एहतियात करने की ज़रूरत है, तो वो कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो लगे हुए हैं इन सारे स्टार्स के ऊपर? हाँ जी, वो एक तो ये है कि जोल और मरीख का मुकाबला लगा पड़ा है, ये अच्छा नहीं होता, ये कोई ना कोई झगड़ा कोई ना कोई मसला खड़ा कर देता है, ठीक हो गया। और दूसरा वो है कि मरीख का और यूरेनस का तल्लक ख़राब है इन दिनों, ठीक हो गया, इसे भी अचानक बैठे बैठे ये गड़बड़ का खतरा है। तो अब टॉरस के ऊपर इसका और क्या क्या इम्पैक्ट है? टॉरस के जो है हालात वो उनके वालदैन पर असरअंदाज हो रहे हैं, इसके अलावा तभी मैंने कहा है, इसके अलावा इसके अलावा अपना जो अखराजात है उन पर उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते ही है, अचानक कोई अचानक अखराजात सर उठाएंगे, ठीक हो गया। और इनका जो कारोबार है वो ठीक चल रहा है, नौकरी है ठीक चल रही है? बस इन तफक्करात के हवाले से ही आप सोचें ना, जो वालदैन की वजह से हैं, ठीक हो गया। बाकी ये है कि उनकी लाइफ में जो नुमाया बातें हैं वो यही दो हैं, ठीक हो गया, के अखराजात और वालदैन उनको केयर करनी चाहिए। अब मैं आता हूँ, नहीं नहीं अभी एक और मेरा सवाल है, मुझे बताएं कि जो टॉरस है आने वाले हफ्ते में उन्हें कौन से ऐसे जो दो दिन हैं उसका ख्याल करना है, इश्तराक करना है? वही 1 जुलाई को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, ठीक है, और 4 जुलाई को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, 1 और 4। एरीज का भी यही था, टॉरस का भी यही है। अब आप आ जाइए जेमिनाई की तरफ। हाँ जी, जेमिनाई की तरफ आइए जी। ये जो इनके करीबी लोग हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, उनके वजह से टेंशन आ रही है। अच्छा, और माली मामलात की तरफ से भी टेंशन आ रही है, तो इनको चाहिए कि इनके चूँकि माइंड बहुत तेज़ होता है, ठीक हो गया, बड़े सब्र तमल से इन मसाइल को हल करें और अपने करीबी रिश्तेदारों को के साथ अपना रवैया बड़ा सोच समझ कर अपनाएं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो 1 जुलाई और 4 जुलाई है वो अचानक जो है इनको अपना रिश्तेदारों की तरफ से मसला खड़ा हो जाएगा, बल्कि पहले भी खड़ा है, पिछले दिनों से खड़ा है और वो इस मसले को अपनी तरफ से हल करते चले आ रहे हैं। और बाकी जो है इनको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए अगले हफ्ते ये जो आने वाला है, क्योंकि इनके 12वें खाने में यूरेनस जो है उसका मरीज के साथ बड़ा बुरा एंगल लगेगा, कि रिश्तेदारों के हवाले से वो एहतियात करें,
ये मैं जो कह रहा हूँ ना, ये पिछले दिनों से चला आ रहा है मसला, उनको कोई ना कोई फिक्र है, उनका जहन जो है ना फिक्र का शिकार है, परेशानी का शिकार है, और ये इस हफ्ता रहेगा। दूसरा ये है कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि उनके बार में खाने में यूरेनस है और वो मरीख से बुरी नज़र है उसकी, तो वो अपनी सेहत का भी ख्याल करें। उनके जो बदखाह हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको नुकसान पहुँचाया जाए, ठीक हो गया, तो उसका भी ज़रा एहतियात करें। रोमांटिक लाइफ ठीक है इनकी, तो आपने करीबी रिश्तेदारों से दूर रहें, यही बेहतर है उनके लिए। रोमांटिक लाइफ ठीक है, वो परेशानियों का शिकार है, आप रोमांस की तरफ चल पड़ेंगे। बात करेंगे कैंसेरियन के हवाले से। जी बताइए, आने वाला जो हफ्ता है वो कैंसर के लिए कैसा है? वेल, कैंसर का जो है वो, ये बड़े हसास लोग हैं, हर बात को जरूरत से ज़्यादा महसूस करने लग जाते हैं, लेकिन उनकी जो माली सूरत हाल है वो इस हफ्ते उस पर नज़र रखें। माली सूरत हाल की वजह से टेंशन वाजिया नज़र आ रही है, और बाकी जो है उनकी जो अपना सोशल लाइफ है उस पर भी निगाह रखें, ये भी बड़ा ज़रूरी है इनके लिए, क्योंकि जो उनकी सोशल लाइफ है उस पर भी प्लानट असरअंदाज हो रहे हैं। माली सूरत हाल पर मैं ज़्यादा जोर देना चाहता हूँ, वो उनके लिए बड़ी ज़रूरी है कि वो उसको संभालें, वरना माली सूरत हाल मुझे नज़र आता है कि अगर सोच से समझ से काम न लिया गया तो नुकसान का, माली नुकसान का ख़तरा है। ठीक हो गया, और मुझे ये बताएं सेहत के जो सितारे हैं इनके, वो ठीक है? वजह से थोड़ी बहुत असरअंदाज होगी, लेकिन ज़्यादा मसला नहीं है। और आपने कहा सोशल भी कम हो जी, सोशल लाइफ का भी आपने क्या ख्याल रखें, उसमें क्या ख्याल रखें, दोस्तों से दूर रहें और हसासपन हसासियत का मुजाहरा न करें, अच्छा वरना तलकात खराब हो सकती है। अच्छा ठीक हो गया, इनके लिए भी वो जो दिन है वही दो दिन है, यकम जुलाई और उनके लिए भी पूरे हफ्ते में, ये सारे हफ्ते जो नजर आ रहा है ना, 3-4 तारीख तक ये प्लैनेट छाए हुए हैं, इनका साया मौजूद है, ये किसी वक्त ये असरअंदाज हो सकते हैं, यकम का असरअंदाज हो सकते हैं, 28 को कभी भी हो सकते हैं। हाँ जी, अच्छा आपने कहा उनको सबसे ज्यादा जो ख्याल करना है वो अपने माली हालात के बारे में करना है, तो अगर कोई कारोबार का आगाज किया है तो उस पर क्या करें, या फिर अगर प्लान कर रहे हैं तो क्या करें, रुक जाएं अभी जी? अगर इन्होंने किसी कारोबार का आगाज किया है तो ये रुक जाएं? फिलहाल तो रुक जाएं, और अपना ये जो इनका मसला है अपना शराकत का, उससे भी दूर रहें वक्ती तौर पर, ठीक, एक हफ्ता, उसके बाद प्लान ठीक हो जाएंगे। ठीक हो गया, अब हम आते हैं असद की तरफ। हाँ जी, असद का ये है कि काफ़ी दबाव पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा, और जितने भी अस्सी हजरात शादीशुदा हैं उनका इजवाजी जिंदगी पर यूं समझ लीजिए कि बहुत ही बुरा साया आया हुआ है, किसी वक्त झगड़ा हो सकता है और ये झगड़ा बहुत बुरा होगा, उनको इस झगड़े से बचना होगा, और इसका सिवाय सब्र तहम्मुल के कोई इलाज नहीं है, और ये जो पूरा हफ्ता है ये किसी वक्त इख्तलाफात सर खड़े कर सकते हैं और उनके लिए परेशानी के सबब बनेंगे, हत्ता कि तलकात टूट सकते हैं, इस हद तक बुरे प्लानट हैं, और उसके बाद जो है उनको अपने जो वालदैन हैं उनका भी ख्याल रखना है, उनके साथ किसी को इख्तलाफ ना करें और कोई इस किस्म का फैसला ना करें जिससे वालदैन को महसूस हो, और ये इसी तरह इसी कशमकश इसी दबाव में जिसमें कैरियर भी नज़र आता है, कैरियर की वजह से भी ये परेशान होंगे पूरा हफ्ता, तो ये वक्त गुजर जाएगा, और बड़े सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए, कोई कदम ना उठाएं, क्योंकि इन लोगों में वो बहुत ज़्यादा है कि हम किसी न किसी तरीके से दूसरे पर छा जाएं, तो ये ऐसा इस हफ्ते ना करें, अपने अना को काबू में रखें, हालात की नज़ाकत को समझें, वालदैन को समझें और अपनी अजवाजी ज़िंदगी को समझें, जहाँ इन लोगों ने अपने शादी का कुछ सिलसिला चला हुआ है वहाँ भी ये पता चलेगा कि ये शादी टूट रही है, मंगनी वगैरह, तो यूँ सूरत हाल पूरा हफ्ता रहेगी। ओके, आगे चलते। अच्छा, इनकी नौकरी का भी आपने बता दिया, नौकरी के हवाले से बहुत टेंशन है उसमें भी, सही, ये नौकरी छोड़ेंगे और परेशान होंगे, नौकरी करते हैं जो आई हुई है तो उस पर परेशान है, तो इसी के नाम मसला होता है। अच्छा, जो सियारे इस वक्त लगे हुए हैं, प्लैनेट्स लगे हुए हैं जिनकी बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, उनके हिसाब, उनका जो इम्पैक्ट है वो इनके मिजाज पे कैसा है, सख्त होगा?
क्या हुआ? मतलब वो जो स्टार्स आप बता रहे हैं ना, जो प्लैनेट्स लगे हुए हैं जिनका इम्पैक्ट इन स्टार्स के ऊपर आ रहा है, लियो पे उसका जो इम्पैक्ट है वो सख्त होगा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इसलिए तो बार बार कह रहा हूँ कि एहतियात से काम ले, ठीक हो गया, और वक्ती तौर पर चुप कर जाए, ठीक हो गया। टेंशन आ रही है जॉब के लिहाज से, वालदैन के लिहाज से, तलकात के लिहाज से, बी केयरफुल, ठीक हो गया। अब आ जाए विरगो पे, आ जाए। हाँ, विरगो लोग जो हैं उनकी यूँ समझ लीजिए कि उतनी काम करें जितनी उनकी सेहत इजाज़त देती है। अच्छा, मौका है, वो काम इनकी पसंद का ज़्यादा करना चाहें, करेंगे सेहत ख़राब हो जाएगी, और इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि इनको बड़ी बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना चाहिए। इनके ये मुकाबला जो लग रहा है मरीख का और जोल का, ये इनके बारहवें खाने में लग रहा है, इसलिए मैं इनके सेहत का ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि ज़्यादा एहतियात करें, कोई ना कोई परेशानी सामने आ सकती है, तो इस हफ्ते उनको सब्र तमल से काम लेना चाहिए, और इस परेशानी की वजह से घबराना नहीं चाहिए। जहाँ तक इनका तल्लक है अपना बाहर मुल्क से तल्लक का या बाहर सफ़र का, वो फ़िलहाल ना करें, ट्रैवल मत करें, वक्ती तौर पर ये इस हफ्ते यही नज़र आता है, ठीक हो गया। और नौकरी कारोबार सब ठीक है? वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस हफ्ता यही महसूस करेंगे कि कोई ना कोई मसला खड़ा है, टेंशन है, लेकिन सबसे और इनके जो बदखाह हैं वो इनके लिए मसाइल पैदा करने की कोशिश करेंगे, इनको परेशान करेंगे, जो लोग जालस हैं इनके, हसद करते हैं, उनमें से दोस्त भी हो सकते हैं, करीबी रिश्तेदार भी हो सकते हैं। वेल, हसद तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, ख्याल किया जाए। अच्छा, लिब्रा का बताएं आप। हाँ जी, लिब्रा के जहाँ तक तलक है, उनका भी ये है कि रोमानवी मामला ठीक नहीं नजर आते, ठीक हो गया। पहले एहतियात करते हैं या नहीं करते हैं, इस हफ्ते हर सूरत उनको रोमानवी मामला में एहतियात करनी होगी, और ख़ास तौर पर सोशल लाइफ पर नज़र रखनी होगी। कोई दोस्त ऐसा है जो इनके लिए टेंशन पैदा कर रहा है? जितने भी ये अपना लिब्रा हैं, जो अपना इनके लिए कोई ना कोई दोस्त ऐसा है जो इनके लिए टेंशन खड़ी कर रहा है या खड़ी कर चुका है, इस हफ्ते उसका सब्र तमल से बड़ी सोच समझ कर, बड़ी तदबीर से, बड़े सोच समझ कर आगे चलें कि मुझे इस दोस्त के साथ क्या करना चाहिए, और पूरा हफ्ता कदम उठाने से बचें। जहाँ तक इनके तल्लक है शराकत के कामों का या शराकती कारोबार का, वहाँ पर भी शराकतकार जो है वो उनको ख़राब कर रहा है, नुकसान पहुँचा रहा है, उससे भी बचने की कोशिश करें और शराकतकार पर नज़र रखें। तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है लिब्रा लोगों के लिए, लिब्रा के लिए ये सूरत है। अच्छा, कोई नई जॉब, कोई नई अपॉर्चुनिटी है इनके लिए? कोई नई जॉब है? इनके लिए जॉब नहीं है, बस कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिनको फेस करेंगे। और अगर ये कोई जॉब तब्दील करने की ख्वाहिश रखते हो तो उस हवाले से इनको करना चाहिए? अगर ये जॉब तब्दील करना चाहते हैं तो फिलहाल ना करें, इस हफ्ते चुप रहें, 4 जुलाई के बाद सोचें कि क्या करना है, क्या करना है, या तब्दील करें या क्या करें। तो ठीक हो गया। अब हम अगले स्टार पे आते हैं, स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस के बारे में बताएं जी, स्कॉर्पियंस के बारे में बताएं। वेल, स्कॉर्पियन जो है, मैं उसके तरफ आ रहा हूँ, इनको एक घरेलू प्रॉब्लम है। अच्छा, ठीक हो गया। घरेलू तौर पर बहुत कश्मकश आ रही है, घरेलू तौर पर झगड़े का नुमाया सामना नजर आ रहा है कि झगड़ा आ रहा है, ठीक हो गया। ये लोग चूँकि खुद इनका दूसरा नाम झगड़ा होता है, जितने अकरब लोग हैं इनका दूसरा नाम है ही झगड़ा। अच्छा। और ऊपर से सितारे भी ऐसे आ गए हैं, तो मैं इनको ज़रा ज़्यादा ताकीद करूँगा कि झगड़े से बचें, वरना बहुत ख़राब होंगे। और ये जो इनके कोई अफसर बाला है, उसका भी कुछ सोचें कि मुझे किस तरह पेश आना चाहिए, या ये भी सोचें कि वो क्या इनके बारे में सोच रहा है। तो अफसरान बाला घरेलू मामला, अपना मिजाज सब पर कंट्रोल करें, और ये पूरा हफ्ता यही मूड रहेगा। झगड़े का पूरा इनके लिए मवाद मौजूद है, जाहिर है मुझे तो यही कहना चाहिए कि झगड़े से बचें, सब्र तमल से काम लें, और जोश व जज्बा में ना आए,
ठीक हो गया। कोई इमोशनल क्राइसिस तो नहीं है इनका जी? कोई इमोशनल क्राइसिस देख रहे हैं आप? इनका क्या देख रहा हूँ? इमोशनल क्राइसिस कोई क्राइसिस तो आया है ना, आएगा। अच्छा। तो जिसके वजह से ये करेंगे वो कुछ भी हो सकता है, रोमांटिक भी हो सकता है, ज्यादातर वो जो है मसला वो जमीन के बारे में हो सकता है। अच्छा, सही हो गया। जायदाद के बारे में, घरेलू जिंदगी के बारे में, इस किस्म का मसला जो ज्यादा मकान है। इनका रोमांटिक मसला नहीं है। ठीक हो गया, इनका मसला सिर्फ लड़ना है। आप कह रहे हैं कि बस लड़ने से बचे, दें जाए, लड़ाई से बचे, चले। लड़ने से लुत्फंदोज होते हैं, लुत्फंदोज होते हैं। ठीक हो गया, नाराज हो जाएंगे सब आप। पहले भी पड़ोसी इनको कोई ना कोई मसला इनका बन चुका है। पिछले 3-4-5 हफ्तों में ये प्लानेट गुजरी है और पड़ोसियों ने इनको बदनाम करने की या कोई मसला खड़ा करने की कोशिश की थी। अब भी पड़ोसियों के लिहाज से इनको एहतियात करना चाहिए। नंबर दो, बिल्कुल छोटा सफ़र नहीं करना चाहिए, पूरा हफ्ता एहतियात करें, एहतियात करें, एहतियात करें। और उसके बाद ज़हनी तौर पर ये कोई ना कोई मसला इनके जहन पर सवार रहेगा पूरा हफ्ता। अच्छा। और उस वजह से वो टेंशन में रहेंगे। और उसके बाद बैरूनी मुल्क के जो मामलात हैं उनको भी फ़िलहाल इल्तवा में रखें, मुलतवी कर दें, क्योंकि ये सारे जो मामलात हैं करीबी रिश्तेदारों के, छोटे सफ़र के, बड़े सफ़र के, घरेलू और ये पड़ोसियों के, ये बहुत ही एहतियात तलब है। पूरा हफ्ता इसी तरह गुजर जाएगा, जहन इसी तरह ही हर वक्त अकूपाई रहे, जहन हर वक्त इधर यही सोचता रहेगा, फलां पड़ोसी ये कह गया, रिश्तेदार ने यूँ कह दिया, फलां ने ये कर दिया। तो ये अपना इस तरह अपने आप को टेंशन से बचाएँ और वक्त गुजारें। अच्छा, नौकरी के हवाले से बताएं। नौकरी के लिहाज से इनका 2-3 साल से एक टेंशन बनी हुई है। ठीक हो गया। 3-4 साल से वो इस हफ्ते प्लान लगे हुए हैं, लेकिन वक्ती तौर पर ऐसा लगता है उसमें कुछ वक्ती तौर पर आराम सुकून आ रहा है। इस तरह ये हफ्ता गुजर जाएगा। और सेहत इनकी ठीक है? इनको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और अब भी अगर इनको कोई मामूली सी तकलीफ है वो भी डॉक्टर को दिखाएं, उसे नज़रअंदाज न किया जाए। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं कैप्रिकॉन के ऊपर। कैप्रिकॉन की तरफ कुदरत ने इनको एक मौका दे दिया है। कुदरत की तरफ से इनके हालात जो हैं बंद दरवाजे खुल गए हैं। अच्छा। कुदरत की तरफ से ये महसूस करेंगे कि मैं नई जिंदगी का आगाज कर सकता हूँ। कुदरत की तरफ से इनको सुकून मिलने वाला है। कुदरत की तरफ से जो पिछले 3-4-5 साल कैद में या हर वक्त अपने आप को बंद और ये टेंशन में रहे हैं, जैसे अच्छा। कोई कैद में होता है या मुमकिन है ये कैद में हों तो यह बाहर आएंगे। तो ये जो उनको अल्लाह ताला की तरफ से वक्त अच्छा मिल गया है, अब अपने ज़िंदगी का नया आगाज़ करें। अगर ये आगाज़ करेंगे तो कुदरत इनकी मदद करने वाली है। और ये ख़ुद भी महसूस कर रहे होंगे कि हालात मेरे हक में हो रहे हैं, इनसे फ़ायदा उठाएँ, अल्लाह का लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्र अदा करें कि अल्लाह इनको अंधेरे से बाहर ला रहा है। इनके मसाइल हल होने वाले हैं और अगली ज़िंदगी के लिए कोई मुस्बत प्लान करें। तो ऐसे लगता है कि जितने भी ये कैप्रिकॉन लोग हैं, जद्दी लोग, इनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला बहुत ही एक अच्छी तब्दीली लाने वाला है। वैसे कैप्रिकॉन जो स्टार है वो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब का स्टार है। ये नवाज शरीफ साहब का है, आपका है या जिसका भी है, उसके लिए अच्छी चीजें हो सकती है। हालात अच्छे आ रहे हैं, चले, सही हो गया। अच्छा, और इन हालात से फायदा उठाना है। अगर इन हालात से फायदा ना उठाया फिर इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम आएंगे। ठीक बोल रहे हैं। सेहत इनकी ठीक है? सेहत ठीक है इनकी? सेहत हाँ, सेहत इन्होंने जून में कुछ ऐसे प्लानेट लगे हुए थे, जितने भी कंपनी कौन है, जद्दी लोग हैं, उनकी सेहत बहुत अच्छी होगी। अच्छा, सही, अच्छी होगी इनकी जद्दी हजरात की सेहत और इनकी जॉब। जून में इनको कुछ बेहतरी नजर आई है, मजीद मैं अब बातें जो कर रहा हूँ मजीद बेहतरी आने वाली है। तो इससे फायदा उठाएं। ठीक हो गया। और नई जिंदगी का आगाज करें। ठीक हो गया। अब आते हैं हम एक्वेरियस पे। एक्वेरियन जो है वो उनके ये 6वें और 12वें खाने में ये कल भी फुल मून था, चांद का और सूर्य का कल भी मुकाबला हुआ है। अगले जो दिन आ रहे हैं सूरज का, अपना जोल का और जो मरीख का मुकाबला हो रहा है वो इनके अपनी अजवाजी जिंदगी में हो रहा है। और ये जो आ रहा है यूरेनस और
मरीज का तरबी आ रही है, इससे भी इनकी जॉब पर असर पड़ेगा। ठीक हो गया। तो हर लिहाज से प्रॉब्लम, सेहत का इनको खास ख्याल रखना पड़ेगा। सेहत पर जरूर से ज्यादा दबाव मत डालें, जॉब पर पूरी नजर रखें। 4 जुलाई तक 4 जुलाई को कोई जॉब के हवाले से कोई टेंशन आ सकती है। टेंशन जो है वो कल पूरा जब चांद लगा हुआ था और सूर्य का मुकाबला, तो कल भी यही था मसला। और अपने अजवाजी जिंदगी तो बिल्कुल यूं समझ लीजिए किसी वक्त खड़ाक हो सकता है, तो अपने अजवाजी जिंदगी बचाने के लिए नहाय सब्र तहम्मुल से काम लें। और अगर ये बर्दाश्त नहीं हो सकता तो फिर मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बुरी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, इनको अपने अजवाजी जिंदगी अब बचाना होगी, वरना फिर जहर है। अगर एक दफ़ा हालात ख़राब हो जाए तो उनको ठीक करने में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, और इंसान बेचारा खाम खाक मसाह में फंस जाता है। तो इनकी अजवाजी जिंदगी नंबर 1, सेहत के मामला नंबर 2, और जो इनकी माली सूरत हाल है नंबर 3, जॉब और जॉब नंबर 4, ये सब चीज़ें बिल्कुल सामने आई पड़ी हैं। टेंशन पैदा हो सकती है या हो चुकी होगी, अगर नहीं हुई अल्लाह करे ना हो, कल परसों और 1 जुलाई और 4 जुलाई बहुत ज़्यादा एहतियात चाहिए, बहुत ज़्यादा एहतियात चाहिए, वरना अजवाजी ज़िंदगी के ख़राब होने का पूरा पूरा अमकान है। और घरेलू घर में घरेलू तौर पर कोई वाक़या पेश आ सकता है, घरेलू तौर पर कोई झगड़ा फसाद आ सकता है। हफ्ता बच्चों के हवाले से तो कोई परेशानी नहीं है जी? बच्चों के हवाले से कोई परेशानी तो नहीं है फिलहाल? नहीं। ठीक हो गया। कोई ये आपस में एक वेरिएंट जो है उनकी अपनी जिंदगी, अजवाजी जिंदगी और घरेलू जिंदगी, ये एहतियात चाहती हैं और बड़े सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। और जो कोई नया प्रोजेक्ट अगर किसी का आगाज किया, किसी नए प्रोजेक्ट का, किसी नए मंसूबे का आगाज किया है, उसमें आप क्या कहते हैं, रुक जाना चाहिए? इस हफ्ता तो चुप रहना चाहिए। ठीक हो गया, सही बात है, अगर घर में जाना तो चुप तो रहना पड़ेगा। अच्छा जी, अब आते हैं पाइसिस की तरफ। हाँ जी, बताइए पाइसिस के लिए क्या हालात हैं? हाँ जी, पाइसिस का ये है कि हफ्ता के आखिरी 2 दिन तो मुझे इनके ठीक नजर आते हैं, लेकिन वैसे इन पर भी टेंशन छाई रहेगी। और इनके जो कोई वरी है, कोई फिक्र है जो हर वक्त रहेगी और इनके दिलो दिमाग को पकड़े रहेगी। ठीक, खाम खा के मनफी हालात का गलबा होगा और सेहत का मसला नज़र आ रहा है। तो ये सेहत हो, जाब हो, अपना जहनी सोचे हो, इनको कंट्रोल में करना होगा। ये वैसे भी मनफी ख्यालात के आदि हैं, तो इनको कोई बहुत ही ज़्यादा वरी है जो कि 1 जुलाई को आएगी, और वो मुमकिन है सेहत की इनको फिक्र हो। तो उसके लिए, सेहत के लिए फिक्र भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन डॉक्टर भी तो अपनी जगह मौजूद हैं, उनसे भी रजू किया जा सकता है। तो सेहत का सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ इनको ख्याल रखना चाहिए। अच्छा। उसके अलावा इनके भी जो करीबी रिश्तेदार हैं वो कोई मसला खड़ा कर रहे हैं। अच्छा। बहुत ही करीबी रिश्तेदार, बहन भाइयों में से, और ये भी हफ्ता के आखिरी 2 दिनों में होगा। इसके अलावा कोई हफ्ता के 2 दिनों में, आखिरी दिनों में कोई बेहतरी भी नज़र आ रही है। अच्छा। शायद इनका मूड अच्छा हो। और दूसरा ये है कि इनका कारोबारी जो मसला है या इनका जो जॉब है, 28 तारीख से लेकर आगे जो कम से कम 1 महीने तक इनकी जॉब में कोई बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं। अच्छा। 28 तारीख से, 28 जून से लेकर आगे 5-6 हफ्ते, तो अल्लाह करे जॉब में मज़ीद बेहतरी आ जाए। और अगर इन्होंने अपने सेहत के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाया तो इनको बहुत ही अच्छा नुस्खा मिल सकता है। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं इनकी फैमिली लाइफ ठीक है? फैमिली लाइफ ये है, ये कि टेंशन कभी ठीक हो जाती है, कभी नहीं ठीक हो जाती, लेकिन ऑन द होल ठीक जा रहा है। मतलब यानी कि मसलन आप कह रहे हैं ऐसे ही चलेगी जैसी है? नहीं नहीं, उसमें मैं बल्कि ये भी कहूँगा कि अगर ये प्रॉपर्टी कोई लेना देना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो वो सितारे ठीक लगे हुए हैं। सितारे और सेहत आपने कहा, लेकिन इस हफ्ते चुप रहे, खामोशी, ये जो खाम खाक उलझने नजर आ रही हैं, इसको गुजरने दें, 4 जुलाई के बाद सोचें।
ठीक है, और प्रॉपर्टी के बारे में सोच सकते हैं। ठीक हो गया। और कोई नया प्रोजेक्ट अगर आगाज करना हो, किसी प्रोजेक्ट का ट्रैवल करना हो, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ट्रैवलिंग सफर कर सकते हैं, सफर ये जो होती है अफराद के लिए, आप हाँ जी इसी के लिए बोल रहे, अवॉइड करें, सफर भी अवॉइड करें, चलें बेहतर यही है। ठीक हो गया प्रोफेसर साहब।